नमस्कार, सविता शर्मा किचन में आपका स्वागत है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कीजिए। इसमें मैं रोज़ किचन टिप्स और फूड फैक्ट्स पोस्ट करती हूँ, जो आपको रसोई में खाना बनाने में बहुत आसानी मिलेगी। नवरात्रि आने वाले हैं, आज उसके लिए हम व्रत की थाली बनाते हैं, जिसमें हम आलू का हलवा केसर डाल के बनाएंगे, समक के आटे की पकौड़ी बनाएंगे और सेंधा नमक डाल के धनिया पुदीने की चटनी बनाएंगे। तो आइए हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। ये 250 ग्राम आलू है, एक कटोरी हमने चीनी ली है, 50 ml घी लिया है और एक कटोरी दूध मलाई मिक्स करके गरम, और इसमें हमने केसर के धागे डाल दिए हैं 5-6, और हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट लिए हैं जिसमें किशमिश है, थोड़ी सी 7-8 बादाम के पीस हैं जिसको हमने लंबा लंबा काट दिया है, और काजू है 7-8 जिसको हमने छोटा छोटा काट दिया है, और 4 हमने इलायची उसको हमने पाउडर कर लिया इलायची के दानों को। दूध, घी और चीनी का आपका एक ही नाप होना चाहिए। आपके घर में जो भी कटोरी है, जिससे भी आप नाप लेते हैं, तो आपकी सेम कटोरी का नाप होना चाहिए। लेकिन घी आप थोड़ा धीरे धीरे करके डालना, एकदम से सारा मत डाल देना। हलवा बनाने के लिए पहले हम आलू को फोड़ लेते हैं अच्छी तरह से, इसमें एक भी गांठ नहीं होनी चाहिए। आप इसको मैशर की सहायता से भी फोड़ सकते हैं और आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हैं, लेकिन आलू बहुत जल्दी मैश हो जाता है, ये उबले हुए आलू हैं। क्योंकि अभी पहले हम कढ़ाई के अंदर घी डाल देते हैं। अब इसमें हम आलू डाल देते हैं जो हमने मैश किए थे हाथ से। अब आलू को अच्छी तरह घी के साथ मिक्स करके और इसको भुनेंगे, इसका कलर चेंज होने तक, और थोड़ी इसमें खुशबू भी आने लग जाएगी। और आलू को ऐसे धीरे धीरे हम मैश करते रहेंगे, जो कोई बड़ा आलू होगा वो भी फूट जाएगा इसमें। अभी हम थोड़ा सा घी 2 चम्मच और डाल देते हैं, मीडियम आंच पे इसको सेकेंगे धीरे धीरे। 1 चम्मच घी और डाल देते हैं। आलू बहुत जल्दी भुन जाते हैं, बहुत जल्दी बन जाता है इसका हलवा। 5 मिनट हो गए इसको भूनते हुए, थोड़ी सी गैस को हम तेज़ कर देंगे। खुशबू आनी शुरू हो गई है आलू के अंदर। आलू देखिए कितनी अच्छी तरह मैश हो गए हमारे भूनते भूनते। टोटल हमने इसके अंदर ये वाला 7 चम्मच घी डाला है और 1 चम्मच हमारा बच गया है। आलू का कलर भी चेंज होने लगा है, थोड़ा सुनहरा होने लग गया देखिए। अब हम गैस को मीडियम आंच पे कर देते हैं। जो हमने केसर, मलाई, दूध हमने मिक्स लिया था गरम करके, अब हम इसको डाल देते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है। अब दूध को डाल के फटाफट इसको चलाते रहेंगे और गैस को तेज़ कर देंगे। केसर से खुशबू बहुत अच्छी आती है और कलर भी बहुत अच्छा आता है। और हम साथ के साथ अब इसमें चीनी भी डाल देंगे। चीनी धीरे धीरे करके डालेंगे इसमें। मीठा आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा जैसे भी कर सकते हैं। इलायची पाउडर डाल देंगे, थोड़े से काजू, रख लेंगे गार्निश के लिए, थोड़े से बादाम डाल देंगे, थोड़े से बादाम भी रख लेंगे, और किशमिश हम सारी डाल देंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका हलवे का। किशमिश पहले इसलिए डाल देते हैं क्योंकि वो फूलती है थोड़ी सी गर्म होके। अगर आप पहले नहीं डालना चाहें तो आप इसको गर्म पानी में भी भिगो के रख सकते हैं। अब सारा दूध सूख जाएगा, फिर हम हलवे को निकाल लेंगे। देखिए आलू के हलवे का कितना अच्छा कलर आया है इसका। आलू का हलवा बनके तैयार हो गया है। अब इसको एक बोल में निकाल लेते हैं। अब जो हमने थोड़े से काजू और बादाम रखे थे, इससे इसको गार्निश कर देते हैं।
20 मिनट में झटपट हमारा आलू का हलवा बनके तैयार हो गया है। आप भी इसको बनाइए और खाइए। आइए आज व्रत के लिए हम समके के आटे की पकौड़ी बनाते हैं। ये हमने 100 ग्राम समके का आटा लिया है। ऑयल हमने तलने के लिए लिया है, आप इसके बदले देसी घी भी ले सकते हैं। ये काली मिर्च ली है और नमक स्वाद अनुसार, और एक हरी मिर्च ली है हमने, थोड़ी बारीक काट ली है, और दो आलू लिए हमने गोल गोल काट लिए है, और पानी लिए हमने घोल बनाने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम इसका घोल बनाते हैं। पहले समक का आटा डालेंगे, इसमें हरी मिर्च डाल देंगे, एक चम्मच काली मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और एक चम्मच नमक लिया हमने। पहले इन सबको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह से, और इसका एक गाढ़ा घोल बना लेंगे पानी धीरे धीरे डाल के। ज़्यादा पतला नहीं, जैसे हम बेसन का घोल बनाते हैं वैसे ही इसका भी बनाएंगे। अब नमक मिर्च सब कुछ हमने मिला दिया इसके अंदर। अब हम कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल देते हैं इसको तलने के लिए, और गैस को तेज़ कर देते हैं, पहले थोड़ा सा गर्म हो जाए, उसके बाद हम एक एक करके इसके अंदर पकौड़ी डालेंगे। कढ़ाई के अंदर तेल डाल के हमने गर्म कर लिया है। आप थोड़ा सा हाथ के ऊपर ऐसे करेंगे, आपके हाथ के ऊपर हीट आएगी तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपको ऐसे नहीं पता चले तो आप एक ड्रॉप डाल के ये भी देख सकते हैं। ये देखिए पकौड़ी बन रही है कितनी अच्छी तरह। अब हम एक एक करके इसमें तल लेते हैं। देखिए पहले आप इसमें घोल में ऐसे डालेंगे और फिर इसको तलेंगे। पकौड़ी डालते हुए आप गैस को सिम कर देना ताकि आपकी दूसरी पकौड़ी जले नहीं। ये मैंने कच्चे आलू लिए थे, और कच्चे आलू से ही बनती है पकौड़ी बहुत अच्छी। कढ़ाई में आप उतने ही आलू डालें जितने उसमें आने की कैपेसिटी हो। बहुत ज़्यादा डाल देंगे तो सिक नहीं पाएंगे फिर आलू। आलू को अलग अलग डायरेक्शन में डालना ताकि ये चिपके नहीं एक दूसरे के साथ। अब हम चेक कर लेते हैं पकौड़ी धीरे धीरे ऐसे करके कि कढ़ाई के साथ लग तो नहीं रही है। अगर नहीं लग रही है तो हम इसको धीरे धीरे करके पलट लेंगे ताकि दोनों साइड से अच्छी तरह सिक जाएगी, और इसको बीच में से भी तोड़ लेंगे जो चिपक गई हैं, नहीं तो ये कच्ची भी रह सकती हैं। गैस की फ्लेम हमारी तेज़ है, गोल्डन ब्राउन होने तक आपको अलट पलट के इसको सेकना है। तेज़ आंच पे सेकने पे करारी करारी पकौड़ी बनेंगी, और देखिए गोल्डन ब्राउन हो गई है ये, थोड़ी थोड़ी देखिए सुनहरी हो गई है ये। दो मिनट और इसको अलट पलट करके हम निकाल लेंगे। पकौड़ी बन के तैयार हो गई है, अब इनको हम निकाल रहे हैं। अब बाकी की बची भी थोड़ी सी और बना लेते हैं हम। देखिए समके के आटे की पकौड़ी बनके तैयार हो गई है व्रत के लिए। आइए व्रत के लिए अब हम हरे धनिया पुदीने की चटनी बनाते हैं, जिसमें हमने 100 ग्राम धनिया पुदीना मिक्स करके लिया है, आधा नींबू का रस ले लिया है, एक चम्मच सेंधा नमक जो व्रत वाला नमक होता है, और एक चम्मच जीरा पाउडर है, और दो हरी मिर्च ली है, एक इंच का अदरक का टुकड़ा लिया है। अब इन सबको हम मिक्सी के जार में डाल के और हम पीस लेते हैं। हम इसको चेक कर लेते हैं, और इसमें हम पानी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे ज़्यादा नहीं। अब इसको दोबारा से पीस लेते हैं। आइए अब चेक कर लेते हैं, चटनी हमारी अच्छी पीस गई है। अब इसको निकाल लेते हैं एक बोल के अंदर। देखिए धनिया पुदीने की चटनी बनके तैयार हो गई है। अगर आपको व्रत में नहीं खानी हो तो आप इसमें सफ़ेद नमक जो होता है नॉर्मल नमक वो भी आप डाल के चटनी बना सकते हैं इसी तरह से।